हेलो दोस्तों वेलकम बैक सो आज के सेशन में हम करेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन का ये लास्ट सेशन होगा इनफैक्ट डबल इंटीग्रल एज वेल एज ट्रिपल एप्लीकेशन ऑफ डबल ये पूरा जो टॉपिक है ये इसका लास्ट सेशन होगा हमारा अगर मुंबई यूनिवर्सिटी को कहू तो मल्टीपल इंटीग्रेशन पार्ट वन एंड मल्टीपल इंटीग्रेशन पार्ट टू ऐसे दो रेस्पेक्टिव अलग अलग चैप्टर्स है आप सभी के लिए और पूर्णी यूनिवर्सिटी के लिए अगर कहू तो इनके लिए ये कंबाइंड एक डबल इंटीग्रल फिर एप्लीकेशन ऑफ डबल ट्रिपल इंटीग्रल फिर उसके बाद कर्व ट्रेसिंग एंड सॉलिड ज्योमेट्री सॉलिड ज्योमेट्री मेरा बाकी है वो हम करेंगे कर्व ट्रेसिंग अगर देखा जाए तो हो चुका है बट आपको बस थोड़ा सा चीजों के ऊपर ध्यान देना है कि मेरे जो टॉपिक्स है या जो वीडियो है हमारे उसके ऊपर क्या टाइटल है प्लीज गो विद ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हम क्योंकि एक ही टॉपिक है ट्रिपल इंटीग्रल ये एक ही टॉपिक है लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी को इसका अलग नाम है चैप्टर का टॉपिक नहीं चैप्टर का और पुणे को अलग है नागपुर को अलग है शिवाजी को अलग है तो ऐसा नहीं पॉसिबल है एक ही इसमें कैसे डाल सकती हूँ ना यार तो इसके लिए हमने क्या करते हैं टॉपिक का नाम दिया है वीडियो को तो प्लीज उसके हिसाब से मूव ऑन करना एंड प्लीज ट्राई टू तो अंडरस्टैंड दिस थिंग और इसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और अब हम इंटीग्रल से पीछा छोड़ाएंगे और अब हम अलग चैप्टर अलग जो एक मॉड्यूल्स है अलग चैप्टर्स है उसके अंदर जम करेंगे तो अब जो हम करेंगे वो एक सॉर्ट sort ऑफ of आपको एप्लीकेशन uh, दिखाई देगा इसके अंदर जिसमें हम क्या कर रहे हैं वेन द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बॉन्डेड बाय प्लेन प्लेन से बॉन्डेड हम चीजें कर रहे हैं जब हम ट्रिपल इंटीग्रल करते हैं तो हम थ्री तो है आपको दिया गया है Dx, आपका जो है, ट्रिपल इंटीग्रल डीएक्स डी वाई डी जेड फिर उसके बाद आपको डिवाइडेड बाय फंक्शन दिया है आपका जब फंक्शन का पावर आपका थ्री है फंक्शन में आपके रेस्पेक्टिव तीन वन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड द होल क्यूब ओवर द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन टेट्राहाइड्रॉन आपको दिया है और आपको दिया है एक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे आपको कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना है सबसे पहली चीज जो आपको दिखाई देगी हमारे इंटीग्रल्स को लिमिट्स नहीं है हमारे इंटीग्रल्स तीनों के तीन, तीनों तीनों इंटीग्रेल्स को लिमिट्स नहीं है मतलब टास्क नंबर वन हमें लिमिट्स निकालना है लिमिट्स निकालने के लिए हमारा फोकस कहां पे जाता है ऑर्डर पे जब हम लिमिट्स निकालते हैं हमें ऑर्डर चेंज करनी पड़ती है ऑर्डर क्या दिखाई दे रही है एग्जैक्टली right? तो अपोजिट dx, dx. Okay? Exactly करना है जो दिया है उसका उल्टा चीज करना है ऐसा दिया है तो आपको इस प्रकार से मूव करना है ओके okay? तो हमारा क्या हो जाएगा ऑर्डर dz dy डी एक्स ओके तो हमारे जो लिमिट्स है वो भी इसी प्रकार से बन जाएंगे हमारा यहाँ पे एक्स का लिमिट होगा सॉरी यहाँ पे जेड का लिमिट होगा यहाँ पे वाई का लिमिट होगा और यहाँ पे एक्स का लिमिट होगा जेड वाई एंड एक्स इस प्रकार से ठीक है, है थोड़ा सा बड़ा बनाया इंक्रीज करते गए साइज को यहाँ पे देखो आपको लिमिट्स कैसे निकालना है इज इक्वल टू जीरो दिया है यहाँ पे कुछ तो हमारा x एक, एक बार लोअर लिमिट जीरो हमारा जीरो दिया है ठीक है, हमारा है। अब हमारा टर्न आता है अप लिमिट के साथ वर्क करने के लिए जब हम अपल लिमिट के साथ वर्क करेंगे तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा एक इक्वेशन एक दी गई है जो कि नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है दैट इज वन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन राइट अब आपको क्या करना है यहाँ पे हमारे z के लिमिट्स है मॉडिफाई दिस इक्वेशन इन सच वे दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ z जब आप इसे मॉडिफाई करोगे तो जेड इज इक्वस टू वन माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा y और x को उस कर दोगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास z वाई right. का चाहिए तो यहाँ पे y is equal to 0 दाल दोगे क्योंकि हमारा y तो जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स अब यहाँ पे y भी जीरो है x भी जीरो है z भी जीरो है तो हमारा इधर का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इधर का लिमिट क्या हो जाएगा सिर्फ वन बचेगा ठीक है ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन है उसके हिसाब से हमारा ये चीजें जाती है फिर हमारी फंक्शन क्या आ, हमारा जो फंक्शन है एक्चुअली वो कैसा है वन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस रेस टू माइनस ऑफ थ्री नीचे क्यूब में है डिनोमिनेटर में तो मैंने क्या कर दिया उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट किया है टू शिफ्ट दैट थिंग जस्ट डेड इज उसका पावर का मैंने ऊपर लेके जाके माइनस कर दिया दैट्स सॉरी अब हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है सबसे पहले इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू z, देन विथ रिस्पेक्ट टू y, देन विथ रिस्पेक्ट टू x. तो जब हम z x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x इन y कांस्टेंट हो जाएगा वन तो एज इट इज कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा जीरो वन जीरो वन माइनस एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा चलो एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स रेस टू एन प्लस डिवाइडेड बाय एन प्लस वन तो यहाँ पे अगर आप प्लस वन कर दोगे तो क्या होगा माइनस थ्री प्लस वन दैट इज इक्वल टू माइनस टू तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड टू माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस टू राइट लिमिट्स क्या है जीरो वन माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई डी जेड बच गया <coughs> अब लिमिट्स डालोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास सबसे पहले वन माइनस एक्स माइनस वाई डाल दो वन माइनस जहां पे जेड है तो ये होगा प्लस वन माइनस एक्स माइनस वाई राइट डिवाइडेड बाय माइनस टू अब पावर है इसका माइनस टू अब यहाँ पे आपको एक बार जीरो प्लस वाई जेड की वैल्यू क्या है जीरो लोगल लिमिट क्या है जीरो तो वो हमारा हट जाएगा और यहाँ पे पावर है हमारा माइनस टू अब आगे बढ़ो

अभी नोटिस करोगे तो माइनस टू माइनस टू कॉमन है लेट अस टेक दैट थिंग आउटसाइड तो अगर मैं उसको बाहर ले रही हूँ माइनस ऑफ टू तो वो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वन बाई टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन इंटीग्रेशन जीरो हमारा टू रेस टू माइनस ऑफ टू क्या होगा अगर आप इसको ठीक से लिखो तो ये वन अपॉइंट टू रेस टू टू हो जाएगा तो टू रेस टू टू इज फोर तो वन अपॉइंट फोर माइनस ये पूरा टर्म एंड डी वाई डीएक्स नेक्स्ट टास्क है हमारा इसको क्या करना है वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है यहाँ पे कोई भी वाई का टर्म नहीं है लेकिन फिर भी वहां पे क्या एग्जिस्ट करेगा वन एग्जिस्ट करेगा इसकी वजह से वहां का इंटीग्रेशन वन बाय फोर का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अगेन एक्सरेस टू एन प्लस वन हो जाएगा डिवाइडेड बाय प्लस वन तो यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस एक्स प्लस वाई माइनस टू प्लस वन इज माइनस ऑफ वन अगेन डिवाइड बाय माइनस ऑफ वन नेक्स्ट हमारे लिमिट जीरो वन माइनस एक्स बचा आप dx. अगर नोटिस करोगे तो माइनस माइनस है यहाँ पे ये यह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्टली इसको क्या लिख रही हूँ प्लस लिख रही हूँ अब लिमिट्स डाल दो तो वाई के जगह पे वन माइनस एक्स अपॉन फोर हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पे वाई के जगह पे डाल दो वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स 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 गेट्स कैंसल बचा क्या वन प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू 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 हो गया फिर नेक्स्ट बीच में माइनस की साइन अब जीरो डाल तो को उससे फर्क नहीं पड़ना है तो आपके पास क्या बचा वन प्लस एक्स बचा फिर आप ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो ये कंप्लीटली हमारा माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स यहाँ पे हमारे पास ये सॉरी प्लस टू है बिकॉज प्लस साइन है ना रेस टू माइनस वन यहाँ पे भी माइनस वन है जो मैं लिखी नहीं फिर उसके बाद नॉर्मल सा अब आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस टू रेस टू माइनस वन है नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे माइनस की साइन थी प्लस की साइन थी एंड देन दिस बी हमारे पास वन अपॉन टू एंड नेक्स्ट यहाँ पे जब आप जा रहे हो जीरो डाल दोगे फिर इसके बाद बाहर माइनस की साइन है यहाँ पे प्लस यह माइनस हो जाएगा यहाँ पे ये यह क्या हो जाएगा वन बाय प्लस एक्स अब हमारा एक ही इंटीग्रेशन बचा है एक्स का और सारे टर्म्स हमने नोटिस किए कि एक्स कि के रिस्पेक्ट में आ चुके हैं अब आपको क्या करना है सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है यू विल गेट वन अपॉन सॉरी एक्स अपॉन फोर आपको मिल रहा है इनडिरेक्टली इंटीग्रेशन एक्स x का क्या होता है? X square होगा. तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है 1 जिसका इंटीग्रेशन हमारे पास होगा एक्स अपॉन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स दैट इज वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अब लिमिट्स है हमारे एक बार और एक बार बार और तो जब आप यहाँ पे वन डालोगे जब आप यहाँ पे वन डालोगे तो सारी की सारी चीजें जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे हटा दो यहाँ पे वन डाला तो वन बाय टू बचा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ वन प्लस वन दैट इज फिर माइनस की साइन जीरो डालोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है इज इज का स्क्वायर तो आपको मिलेगा नेक्स्ट पे पे जीरो जीरो डाल दिया सारा का, सारा का टर्म अगर जीरो डाल दोगे तो माइनस लॉग ऑफ वन आपके पास बचेगा जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा साइंस चेंज हो जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा दैट्स ऑल नाउ लॉग ऑफ वन इज क्या जीरो वो हमारा टर्म एक हट गया ये तो जीरो होता है ना हमारे पास नेक्स्ट आप इसके बीच में ऑपरेशन कर दो इंटू फोर इन फोर तो आपको क्या मिला फोर माइनस वन बाई एट दू थ्री बाई एट तो मैं इसको थ्री बाई एट भी लिख सकती हूं लेट इज डू वन थिंग इसका जो माइनस का साइन है ना वो हम क्या करते हैं पूरे इक्वेशन को दे देते हैं तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय माइनस ऑफ वन तो आपको यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस ये भी हो जाएगा हमारे पास प्लस तो जब आप ये चीज करोगे अब करो माइनस फोर हमारे पास है और प्लस वन है तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू फोर प्लस वन इज फाइव हमें मिल रहा है और नीचे क्या है हमारे पास एट है इनडायरेक्टली आपको आंसर विल बी इक्वल्स टू साइंस चेंज होने के बाद यहां पे वो माइनस का टर्म था मैंने गलती से उसको पॉजिटिव लिख दिया था लेकिन वो सही था फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा लॉग ऑफ टू माइनस ऑफ फोर माइनस ऑफ वन माइनस ऑफ फाइव है एट ओके okay? फिर ये हो गया हमारा आंसर इफ यू वांट टू टू के साथ मल्टीप्लाई तो कर दो अंदर इफ यू डोंट वांट कीप इट लाइक दिस ओनली ये भी हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज वन बाई टू लॉग ऑफ टू माइनस फाइव बाई एट ओके okay, तो ये वाला क्वेश्चन था ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन और है हमारे पास सेम है बस फर्क इतना है कि अब सारी चीजें न्यूमरेटर में तो इंटीग्रेशन है हमारे पास ट्रिपल एंड यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स नहीं दिए गए हैं तो लिमिट्स निकालने के लिए हमें अगेन क्या करना पड़ेगा इसके ऑर्डर है उसको चेंज करना पड़ेगा डीएक्स डीवाई डी जेड दिया है तो क्या हो जाएगा डी जेड डीवाई हो जाएगा एकदम अपोजिट फंक्शन दिया है हमें x प्लस वाई प्लस जेड ओके लिमिट्स हमें क्या दी गई है सारी चीजें एक एक बार जीरो है यहाँ पे हमारे z के लिमिट आएंगे तो z क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा फिर y एक बार जीरो डाल दोगे तो वन माइनस एक्स हो जाएगा फिर एक बार x को डाल दोगे तो वो वन हो जाएगा सेम चीज है लिमिट्स पर अगर ध्यान दोगे तो सेम ही है राइट right? तो अब इसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी होगा हमें उसमें हमने काफी स्ट्रगल किया <laughs> एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर बाय टू होता है तो वही चीज आपको यहां पे भी करनी है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू आप जेड ले रहे हो तो वो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट है बाय टू लिमिट्स इज जीरो पे हमारे इंटीग्रेशन जीरो लिमिट्स डाल दो तो एक्स प्लस वाई प्लस वन माइनस एक्स माइनस वाई

यहाँ पे कोई भी वाई का टर्म नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई करके इसको करोगे तो आपको मिलने वाला है वाई इफ यू वॉन्ट ये टू जो है हमारा डिनोमिनेटर में ये आप कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो वन बाय टू तो वन तो का इंटीग्रेशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू वाई हमारे पास होगा वाई वाई माइनस एक्स हमारा एस कांस्टेंट हम ट्रीट कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर तो हमें क्या होगा इसका आंसर एक्स प्लस वाई है हमारे पास फिर हम उसको होल स्क्वायर कर देंगे जैसे हमने बाकी चीजों के लिए किया यहाँ पे हमारे पास ये इस प्रकार से था स्क्वायर था ना रेस टू हमने एक से पावर यहाँ पे देखो टू किया था फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा वन स्क्वायर इज वन ओनली और यहाँ पे x प्लस वाई द होल स्क्वायर है हमारे पास तो उसका पावर एक से इंक्रीज हो जाएगा और डिवाइड भी उस प्रकार से हो जाएगा तो वन एक्स प्लस वाई द होल क्यूब बाय थ्री लिमिट्स फ्रॉम जीरो टू वन माइनस एक्स डी एक्स नो पुट टू जीरो टू वन वन माइनस एक्स नेक्स्ट माइनस ऑफ हमें यहाँ पे भी डालना है तो x प्लस वन माइनस एक्स अगेन एक्स सिक्स गेट कैंसल बचा सिर्फ वन तो वो वन लिख दो तो। नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास यहाँ पे बची हुई जीरो डालने तो जब यहाँ पे जीरो डाल दोगे तो जीरो हो जाएगा माइनस हमारे पास अगेन y इज इक्वल डाल दिया तो बचा सिर्फ x क्यूब बाय थ्री साइन ओपन कर दोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्लस पूरा का पूरा इक्वेशन आपको मिल गया आपके नॉर्मल फॉर्म में जैसा आप एक्स के रिस्पेक्ट में होना चाहिए उस प्रकार से ना इफ यू वॉन्ट इसको सॉल्व कर दो वन माइनस वन अपॉइंट थ्री का क्या हो जाएगा थ्री माइनस वन अपॉइंट थ्री दैट इज टू बाई थ्री तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकती हूँ टू बाय थ्री अब इंटीग्रेट कर दो टू बाय थ्री का इंटीग्रेशन विल बी टू बाई थ्री इन एक्स माइनस ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स रेज टू फोर थ्री इन टू फोर इज ट्वेल्व Image. अगर वन एक बार डाल रहे हो तो आपको क्या मिलेगा टू बाय थ्री माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय ट्वेल्व अगर सारी जगह पे जीरो डाल दोगे तो आपके सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे एंड टेन इट्स ऑन यू इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व तो सॉल्व करो वन इट्स ओके फिर यहाँ पे आप इसको फोर से मल्टीप्लाई कर दो इट विल बी एट प्लस वन दैट इज नाइन बाई ट्वेल्व आपको मिल जाएगा यहाँ पे माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा अगेन मल्टीप्लाइड बाई सिक्स आपको क्या हो जाएगा ये नाइन माइनस सिक्स इज थ्री बाय ट्वेल्व इसका पूरा आंसर मिल रहा है थ्री बाय ट्वेल्व दैट इज इक्वल टू वन बाय फोर तो ये हो जाएगा वन बाय टू इंटू वन बाय फोर दैट इज इक्वल टू वन इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हो या फिर आपको अगर चाहिए कैलकुलेटर वाला तो उसमें भी आपको इन फ्रैक्शन आंसर मिल जाते हैं अगर आपको सही से आपने डिजिट्स एंड पैर एंड एवरीथिंग डाला तो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली मैंने जो फोकस किया है वो स्पीयर पे किया है बिकॉज और भी सा, बहुत सारी चीजें हैं बट इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती लाइक सिलेंडर एंड एवरीथिंग स्पीयर पूछा जाता है 2019 में भी पूछा गया था तो यहाँ पे क्या बनता है द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज थ्री डायमेंशनल में कर रहे हो टू डायमेंशन में किया था तो सर्कल लिया था यहाँ पे स्पियर है यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं आएगा बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू ड्रॉ स्पियर बॉल बॉल इज अ स्पीय राइट तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फर्स्ट स्टेप जब भी आपको स्पीय ये चीज डिफाइन की जाएगी तो फर्स्ट स्टेप इज सबस्टिट्यूट दिस फॉलोइंग थिंग्स एक्स के जगह पे डाल दो आर साइन थीटा कॉस फाइव क्या डालोगे कॉस फाइव यहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स आते हैं सिर्फ थीटा नहीं आएगा एक दूसरा एंगल भी तो आएगा ना जिसके मोशन में वो जा रहा है एक ऐसा है और एक इस प्रकार से। तो यहां पे क्या हो जाएगा आर साँग थीटा, साँग एक थीटा, फिर यहां पे इन सारी चीजों को सब्सिट्यूट करने के बाद भी हमारे पास चीजें बचेंगी दैट इज डी एक्स डी वाई एंड डी जेड तो वहां पे आप क्या डालोगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव ये तीनों चीज तो कॉमन है डी आर डी थीटा डी फाइव बस आपको याद रखना है आर स्क्वाइन थीटा क्या याद रखोगे आर स्क्वाइन थीटा अब यहाँ पे स्पीय में भी हमारे पास वेरिएशन आते हैं कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है पूरा स्पीय पूछा है हेमी पूछा है या फिर सिर्फ फर्स्ट ऑक्टल पूछा है तो अगर पूरा स्पीय पूछा होगा तो हमारा नॉर्मली जैसे इक्वेशन फॉर सर्कल बनता है एक्स स्क्स वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्वायर अब थ्री डिमेंशन है तो वॉट इट विल बी जब हम ये इक्वेशन लेते हैं तो हमारे लिमिट्स हमें कैसे मिलते हैं आर कहां से वेरी करेगा जीरो से लेके वो कॉन्स्टेंट ए तक थीटा कहां से वेरी करेगा जीरो टू पाए इस प्रकार से अपना ध्यान रखो जीरो ठीक है और हमारा पाए कहां से वेरी करेगा जीरो टू टू पाए पूरा सर्कल घूम रहा है वो ठीक है फिर उसके बाद ये तो टू में बता रही हूँ बट समझ लेना वो कैसे मूव कर रहा है फिर हेमिस्फीयर हमारे पास आता है जैसे वहां पे सेमी सर्कल होता है उसी प्रकार से तो यहाँ पे हेमिस्फीयर में क्या आ जाएगा आर कहाँ से वेरी करेगा फ्रॉम जीरो टू ए आर का कॉन्स्टेंट ही रहता है जीरो टू ए ही मूव करेगा थीटा विल मूव फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू जीरो टू पाई बाय टू सिर्फ आधा ओके 0 टू पाई बाय टू फिर उसके बाद पाई विल वेरी फ्रॉम 0 टू 2 पाई ये पूरा मूव कर रहा है 0 टू 2 पाई नेक्स्ट एक और होता है फर्स्ट ऑक्टेंट यहाँ पे हमसे फर्स्ट हिस्से उसका फर्स्ट हिस्सा हम देखते हैं आपने ग्लोब देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो कैसे एक्चुअली हम अंदर का सारी चीजें देखते हैं कोर एलिमेंट्स तक जाते हैं तो वही चीजें यहाँ पे भी फिर उसके बाद आर वेरीज फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू जो चीजें याद रखनी है दे आर जस्ट सब्सिट्यूशन यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे है वापस यहाँ पे लिमिट्स नहीं दिए गए हैं लिमिट्स आपको निकालने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है वेरीज पूरा इंटीग्रेशन दिया है जैसे हमने किया था, यहां पे देखो, डायरेक्टली पूरा सर्कल दिया है ओवर द वॉल्यूम ऑफ स्पीय वॉल्यूम ऑफ स्पीय भी दिया है ये वाला ठीक है तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा फर्स्टली क्वेश्चन को आपका ऑर्डर चेंज करना है ओके एक हिसाब से हम यहाँ पे

हमारा वाई होता है आर साइन थीटा एंड साइन फाइव हमारा जेड होता है आर कॉस थीटा ठीक है याद कैसे करोगे यहाँ पे साइन कॉस आता है यहाँ पे साइन साइन आता है यहां पे सिर्फ कॉस भाई साहब आते ठीक है उसके बाद हमें डी एक्स डी वाई डी जेड को क्या डालना है आर स्क्वाइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव आप डाल दो जो भी चीज दिखाई दे रही है उसके अंदर सब्सिट्यूट कर दो थोड़ा सा सिर्फ शिफ्ट कर रही है इसको हम बाद में लिखते हैं ऊपर का जो चीज है आपको क्या दिखाई दे रही है dx dy dz सिंपली उतनी चीज है कि सिर्फ यही आपको वहां पे सब्सिट्यूट करना है तो लेटर सब्सिट्यूट ये हो जाएगा आर स्क्वाइन थीटा dr सॉरी dr d थीटा d बाई डिवाइडेड बाय एक्स के जगह पे अब यहाँ पे जब आप वैल्यूज भी डालोगे एंड की तो ट्राई भी कर लो अगर भी करने के बाद ना आपको आंसर क्या मिलना है पता है आर स्क्वायर मिलेगा क्या मिलेगा आर स्क्वायर मिलेगा उसी प्रकार से जैसे हम हमारे सर्कल के लिए लिखा करते थे सेम 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 एज इट इज हमें यहाँ पर डायरेक्टली आंसर क्या मिल जाता है स्क्वायर मिल जाता है तो आप ये चीज एक ध्यान में रख लो कि यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी आर स्क्वायर मिल जाएगी अब यहाँ पे हमारा सबसे पहला ऑर्डर में क्या चीज दिखाई दे रही है डी आर दिखाई दे रही है मतलब हमारा जो ये वाला इंटीग्रेशन है यहाँ पे आपके ऑर्डर क्या uh, किसका लिमिट बनेगा आर का अब हमने हर जगह पे देखा हमारा आर कहां से वेरी कर रहा था जीरो टू ए वेरी कर रहा था यहाँ पे हमें ए की वैल्यू क्या दी गई है कुछ ए ही है तो ए ही रहेगा अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू रहती तो आपको उसके हिसाब से आपका ए लिखना पड़ता नेक्स्ट आपका क्या है डी थीटा यानी यहाँ पे आपके थीटा के वैल्यूज जा आ जाएंगे अब थीटा जो है हम फर्स्ट ऑप्टन लेंगे फर्स्ट ऑक्टेन में हम लेंगे तो यहाँ पे हमारा थीटा कहाँ से हो जाएगा जीरो टू फाइव बाई टू लास्ट केस जो हमने देखा था ना वो फाइव भी हमारा कहां से चला जाएगा जीरो टू फाइव बाई टू लास्ट वाला केस लास्ट वाला ठीक है चीजें हो गई सारे लिमिट्स मिल गए, सारे मिल गए, सारी चीजें अब क्या करना है हमें इसे ना नेक्स्ट आर के रिस्पेक्ट में अब इसको इंटीग्रेट करना है बट हमें यहाँ पे एक काम करते हैं सेग्रीगेट कर देते डी फाइव uh, uh, हमें डी फाइव का लिमिट ये है तो हमें जीरो फाइव बाई टू के साथ वाला कोई एलिमेंट नहीं है तो डी फाइव इस, इस कर सकते बीच में क्या टर्म नहीं है तो हम क्या लेते हैं वन या फिर डी आर जैसे भी आपको चाहिए आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते नेक्स्ट इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सिर्फ फाइव जीरो नेक्स्ट साइन है माइनस ऑफ कॉस थीटा तो आप वो माइनस ऑफ थीटा लिख दे नेक्स्ट बाय टू माइनस जीरो जीरो ही बचेगा फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है माइनस ऑफ कॉस्ट थीटा एक बार पाई बाय टू डाल दो तो कॉस्ट पाई बाई टू पे क्या होता है हमारा जीरो होता है तो वो जीरो हो जाएगा हट जाएगा बाद में माइनस ऑफ माइनस ऑफ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ऑफ वन होता, होता है तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा प्लस वन मिल जाएगा नेक्स्ट आर की जगह पे एक बार ए डालोगे फिर उसके बाद माइनस जीरो कर दो तो वो जीरो ही रहेगा तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर क्या मिल रहा है पाए बाय डायरेक्टली आपको आंसर मिलता है ज्यादा कुछ नहीं करना है ऐसे ही सेम जो मेथड यहाँ पे किया है यही चीज आप यहाँ पे भी कर सकते थे जो हमने यहाँ पे इतने लंदी प्रोसेस से किया ना आप यही सेम चीज यहाँ पे भी कर सकते हो लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती इसके लिए हमने क्या कर दिया अवॉइड कर दिया बिकॉज यहाँ पे फंक्शन हमारा थोड़ा सा अलग था थोड़ा सा इसमें सेग्रिकेट करने जैसे प्रॉब्लम हो जाती एडिशन वगैरह की साइन थी बीच में ओके okay, तो इफ यू वॉन्ट ट्राई ऑन दिस अगर आपसे हो रहा है तो ये वाला केस हमने वहां पे यूज किया था एंड ऐसे क्वेश्चंस आते या फिर इसके अलावा वहां पे ए का अगर वैल्यू दिया गया जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था टू एंड नाइन में वहां पे आपको ए की वैल्यू दी गई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू दिया था यानी कि ए स्क्वायर विल भी इक्वल टू टू तो ए की वैल्यू क्या हो जाती पे सिर्फ आपने किया था, वो क्या हो जाएगा zero two root of two. R कहां से करेगा करेगा, करे उसके बाद फर्स्ट ऑक्टल ही आपको लेना है जीरो टू पाई बाई टू ठीटा जाएगा जीरो टू पाई बाई टू हमारा फाइ जाएगा ओके okay? बाकी सारी चीजें ऐसी ही है ज्यादा कुछ नहीं है बस आपको सब्सिट्यूशन के साथ मस्ती नहीं करनी ओके सो okay? so, यहाँ पे वी डिक्लेयर आर ट्रिपल इंटीग्रेशन थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग स्टेट बिकॉज वी आर है चेंज नाउ इन दिलेबस सिलेबस नहीं अब हम अलग सा कुछ टॉपिक लेंगे बस हो गया इंटीग्रेशन से मे भी फ्रस्ट्रेट हो गई इससे थैंक यू सो मच सी यू सी नेक्स्ट लेक्चर